Hello everyone, this is Meenia Amanchi and you're watching DN Academy. So today, in today's video, we will be discussing the question of economic zoology. Economic zoology is a very important subject, you know. But the thing is, it's very easy to fetch marks because you have to make an ample of diagram. You will see a lot of sources or scope. Okay, so let's take economic zoology ka wo wala question. Lete hain, that is based on disease and matlab, pathology. Pe jo, डिपेंड करता है जो कि आपका कालाजार पूछ सकता है, आपसे फाइलेरिया पूछ सकता है, ये सब बीमारी के बारे में पूछ सकता है. तो ऐसे वाला जो क्वेश्चन होगा ना, उसको कैसे डील करेंगे. सबसे पहले तो जो भी पूछा रहेगा, जैसे फाइलेरिया के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उसमें बुकरेरिया ब्रैंकोफ्टी जो है वहाँ से स्टार्ट होगा, या ठीक है, या फिर आपका जो कालाजार है तो वो लेस्मैनिया डोनोवनाई से स्टार्ट होगा, ठीक है. तो जब भी लेस्मैनिया डोनोवनाई या फिर बुकरेरिया का नाम आएगा, तो यू हैव टू स्टार्ट विथ सिस्टमैटिक पोजिशन. सबसे पहले तो आप इसका पोजिशन बता दीजिएगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन दिए और उसका सिस्टमैटिक पोजीशन बता दीजिएगा. इंट्रोडक्शन में आप बता दीजिएगा ये बीमारी है, इस तरीके से फैलता है और ये इसका प्रिवेंशन है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है. फिर वहाँ पे सिस्टमैटिक पोजीशन लिख दिए. फिर आपको क्या करना है कि लेस्मैनिया डोनोवनाई इज अ प्रोटोजोआ, राइट. तो प्रोटोजोवन उसका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा उसको लिख दिए. उसके बाद ये जो लेस्मैनिया डोनोवनाई होता है, इसको कैरी कौन करता है, सैंड फ्लाई इसको कैरी करता है, ठीक है. तो उसमें आप उसका वेक्टर का नाम भी मेंशन कर दिए, कैसे ये फैलाएगा वो चीज़ बता दिया आप. टेम्परेचर और हैबिटेट कैसे होने वाला है, जैसे ह्यूमिडिटी हाई होना चाहिए सैंड फ्लाई वाला, सैंड फ्लाई को सर्वाइव करने के लिए ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए. अगर डेसिकेशन हो जाएगा तो वो मर जाएगा, तो फिर बीमारी नहीं फैला पाएगा. तो वो सब चीज़ आपको लिख देना है. और सिमिलरली आपको जो जो आपका वो वाला बीमारी रहता है, वो ग्रेरिया वाला, वो ट्रॉपिकल डिजीज़ है, तो वहाँ पर टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस हो जाता है. तो ये सब छोटे छोटे चीज़ों को आप ऐसे मेंशन कर देंगे. उसके बाद आएंगे कि जो बीमारी है, तो उसका जो अभी हम लोग दोनों देख रहे हैं ना, वो डाइजेनेटिक होस्ट, मतलब दोनों को डाइजेनेटिक उसका साइकिल है, तो दो होस्ट चाहिए. तो एक होस्ट में कैसे होता है, जैसे सैंड फ्लाई में के बॉडी में क्या हो रहा है, फिर ह्यूमन के बॉडी में क्या हो रहा है, सिमिलरली मॉस्किटो के बॉडी में क्या हो रहा है, ह्यूमन के बॉडी में क्या हो रहा है, अच्छे से आप हाईलाइट करके लिखेंगे. और उसी चीज़ का आपका डायग्राम भी बनेगा कि मॉस्किटो में इतना चीज़ हुआ और उसके बाद इतना चीज़ ह्यूमन में हुआ, ये सब डायग्राम भी बन जाएगा आपका. उसके बाद क्या करना है, फिर आ जाना है आपको कि क्या क्या टेस्ट होता है, किस तरीके से डायग्नोज करते हैं. सॉरी, पहले आप सिम्टम्स बताएंगे कि कैसे पता चलता है कि ये बीमारी हो गया, ठीक है. तो कुछ कुछ सिम्टम्स आप बता देंगे. सिम्टम्स होने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको डायग्नोज करता है, कौन सा टेस्ट से डायग्नोज करेगा, तो वो आप मेंशन कर दीजिएगा. उसमें प्रोसीजर नहीं लिखना है कि इसमें क्या टेस्ट होता है, जैसे ब्लड टेस्ट हो रहा है, स्टूल टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, एलाइजा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें आपको इन डेप्थ नहीं बताना है, बस टेस्ट का नाम बता देना है. उसके बाद जैसे ही आपका डायग्नोज हो जाएगा, तो डॉक्टर उसको ट्रीट करता है, कोई भी ड्रग देगा, ठीक है. तो उस ड्रग का नाम आपको मेंशन कर देना है कि भाई ये ड्रग 30 दिन के लिए खाना है, 15 दिन के लिए खाना है, 6 महीने के लिए खाना है, ये सब सब कुछ. लास्ट में क्या करना है, प्रिवेंशन लिख देना, और उसका जो भी प्रिवेंशन होगा नॉर्मल ही रहता है.